नाउ एक टर्म आता है डबल सर्कुलेशन। देखिए ये डबल सर्कुलेशन एक्चुअली है क्या? एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे ह्यूमन हार्ट का। ओके, ये रहा बॉडी पार्ट से ब्लड आया, यहां पे ब्लड आया। ओके, फिर ब्लड यहां से यहां आता है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताए हैं। ओके, और फिर यहां पल्मोनरी ट्रंक होता है और ब्लड चल जाता है कहां भाई? लंग के पास। ओके, अब फिर यहां से ब्लड आता है यहां, ओके, ब्लड यहां से फिर यहां रिटर्न बैक आता है, और फिर ये जो ब्लड है यहां आता है, फिर यहां से यहां आता है, और फिर यहां से ये पूरे बॉडी पार्ट को सप्लाई करता है बाय मीन्स ऑफ ऑर्टा। ओके, ये डायग्राम आपको अब तक क्लियर है? तो ये एक बात आप देखिए, ये जो ब्लड है एक बार यहां से जा रहा है, यहां गया, यहां गया, फिर हार्ट को लीव कर दिया। ओके, हार्ट को लीव कर दिया, रहती एक बार एंट्री किया, एक बार एग्जिट किया, फिर देखिए दोबारा एंट्री कर रहा है और फिर दोबारा एग्जिट कर रहा है। दैट मीन्स टू कंप्लीट वन सर्कुलेशन ब्लड हैज ट्वाइस एंट्री एंड ट्वाइस एग्जिट। ये रहा पहला एंट्री और पहला एग्जिट, और फिर ये रहा दूसरा एंट्री और दूसरा एग्जिट। मीन्स ब्लड फ्लोस ट्वाइस टू कंप्लीट वन सर्कुलेशन, दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। तो लिखते हैं ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू हार्ट हार्ट टू कंप्लीट वन सर्कुलेशन। ओके, नाउ ये देखिए, दैट मीन्स दो बार फ्लो किया ये वाला पार्ट, ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो लंग के पास जा रहा है, ये वाले को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये वाला पार्ट जो है इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर आप ध्यान देंगे इसमें राइट पार्ट ऑफ हार्ट दैट इज राइट ऑरिकल प्लस राइट वेंट्रिकल इन्वॉल्व है, इसमें जो है वो लेफ्ट ऑरिकल प्लस लेफ्ट वेंट्रिकल इन्वॉल्व है, लेफ्ट ऑरिकल प्लस लेफ्ट वेंट्रिकल इन्वॉल्व है। यहां पे जो ब्लड है वो कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां पे कैसा है भाई? डीऑक्सीजन ब्लड। यहां पे कैसा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां पे जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन्वॉल्व है, यहां पे जो है कहां पे ब्लड जा रहा है? लंग के पास। सो इट इज ऑल्सो नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन, और ये पूरे बॉडी पार्ट्स को जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो यहां पे ब्लड रिसीव कौन कर रहा है? बाय मींस ऑफ वेना कावा, ठीक है, और यहां पे ब्लड कौन रिसीव कर रहा है? पल्मोनरी वेन। और यहां पे ले कौन जा रहा है? ऑर्टा। और यहां पे कौन ले जा रहा है? पल्मोनरी ट्रंक। तो ये हो गया आपका डबल सर्कुलेशन। एक बार फिर से बताते हैं डबल सर्कुलेशन है क्या। ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू हार्ट, ये रहा पहला एंट्री और एग्जिट, फिर दूसरा एंट्री और दूसरा एग्जिट, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। और ये रहा दो पार्ट इसका भाग गया, बट गया एक, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन दैट इज राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल। टॉपिक है फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन का जो क्वेश्चंस होता है मेनली आपके एआईपीएमटी और एम्स में आता है, कभी कभी बीएचयू में भी इससे क्वेश्चंस
आए हुए हैं। स्टेट पीएमटी से इससे क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछता है। इसमें जो मेन कंसेप्ट जो ट्रिक वाला बात है, फीटस एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, जो बच्चा माँ की गर्भ में रहता है या उम्र में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं फीटस। फीटस में जो सर्कुलेशन होगा उसको हम लोग बोलते हैं फीटल सर्कुलेशन। इसमें जो ट्रिक वाला कंसेप्ट है कि बच्चे का लंग उस समय नहीं करता है, मींस बर्थ के पहले की हम लोग बात कर रहे हैं और बर्थ के पहले बच्चे का लंग काम नहीं करता है। लंग ऑफ फीटस डज नॉट वर्क, दैट मींस डज नॉट वर्क, ओके, दैट मींस इट रिसीव्स प्योर ब्लड फ्रॉम मदर। ये कैसे होता है डिफ्यूजन, कैसे होता है मदर से प्योर ब्लड आता है, कैसे एक्सचेंज होता है, ये आपको हम लोग एम्ब्रियोलॉजी में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी देखिए फीटल सर्कुलेशन का कंसेप्ट क्या है। अब फिर से वही एक चार चैम्बर का हार्ट हम लोग बनाएंगे छोटा सा, ठीक है, ये चार चैम्बर का हम लोग हार्ट बना दिए, फिर से वो कनेक्शन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ कनेक्टेड हुआ और फिर यहाँ पे एक ट्राई का स्पीड था और यहाँ पे बाई का स्पीड वाल्व हो गया और फिर यहाँ पे ये यह आएगा और फिर यहाँ से ये यह रहा आपका ऑरटा, ओके। तो देखिए यहाँ पे मेन कंसेप्ट है बच्चे का लंग काम नहीं कर रहा है। अगर बच्चे का लंग काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पे ब्लड क्यों भेजा जाए, तो यहाँ पे ब्लड क्यों भेजा जाए, तो यहाँ पे ब्लड भेजने का दरकार ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे दैट मीन्स लंग काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे एनर्जी खर्चा हुआ फालतू में, यहाँ भेजना ही नहीं है, मीन्स जो यहाँ पे ब्लड आ रहा है यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए, तो यहाँ पे एक गैप होता है। दैट मीन्स जैसे ब्लड यहाँ पे आएगा यहाँ से ब्लड यहाँ पास हो जाएगा, ओके। इस गैप को हम लोग बोलते हैं फोरामेन ओवेल, फोरामेन ओवेल, ओके। मान लीजिए कुछ ब्लड गलती से यहां पे आ भी गया, ठीक है, यहां से ब्लड क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड यहां पे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो देखिए और एक नेचर का क्या बात है, अगर यहां पे पहुंच भी गया तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन होता है, दैट मींस कुछ अगर ब्लड यहां पे भी आ गया तो यहां से यहां पे होगा। इसको हम लोग बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसिस, डक्टस आर्टेरियोसिस। That means फीटल लंग के बाईपास, फीटल लंग को बाईपास करने के लिए, फीटल लंग को बाईपास करने के लिए यहाँ पे दो मैकेनिज्म है, एक फोरामेन ओवेल और एक डक्टस आर्टेरियोसिस। लेकिन जब बच्चे का जन्म हो जाएगा, जब बर्थ हो जाएगा, तब बच्चे का लंग काम करेगा, दैट मीन्स उस समय इसको क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि ब्लड को यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ पे फिर यहाँ जाना पड़ेगा। दैट मीन्स समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, भाई फिर से बताता हूं, अगर लंग को बाईपास करना दैट मींस यहां पे ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले से ही आ रहा है तो यहां से ब्लड को यहां पे डायरेक्टली पास कर दिया जाए, अगर कुछ ब्लड यहां पे आ भी गया तो यहां के दोनों के बीच में कनेक्शन है, यहां से जाते हुए फिर यहां ऑर्टा में चल जाएगा, ज्यादा एनर्जी खर्चा नहीं होगा। लेकिन अब बच्चे का जन्म हो गया और बच्चे का लंग काम कर रहा है, जब बच्चे का लंग काम कर रहा है तो ब्लड को यहां पे लाना होगा, यहां से फिर यहां यहां इस रूट से आना होगा। लेकिन अगर ये खुला रह गया तो ब्लड तो यहां से यहां चल जाएगा, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट मींस यहां से यहां चल जा रहा है, क्यों, अब जो मदर सप्लाई कर नहीं रही है ना भाई, तो ब्लड गंदा आ रहा है ना, इंप्योर ब्लड आ रहा है, इंप्योर ब्लड यहां से यहां जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलो हाँ या ना, हाँ, तो ब्लड यहां पे आएगा, यहां से फिर यहां पे आएगा, यहां से, दैट मींस अगर ये बच्चे के जन्म के बाद भी खुला रहा तो गंदा ब्लड ही पूरे बॉडी पार्ट को सप्लाई होगा। और देखिए अगर यहां पे भी रहा, मतलब गंदा ब्लड यहां से जा रहा है, यहां से स्केप करके डायरेक्ट ऑटो में फिर भी गंदा ब्लड जा रहा है, इसको हम लोग को क्लोज करना पड़ेगा। सो आफ्टर बर्थ ये क्लोज हो जाता है, तो फोरामेन ओवेल जो है वो क्लोज्ड
आफ्टर बर्थ, एंड आफ्टर बर्थ इट इज नोन एज फोसा ओवैलिस। फोसा ओवैलिस और कहां प्रेजेंट होता है? इन इंटर अट्रियल सेप्टम, प्रेजेंट इन इंटर अट्रियल सेप्टम, प्रेजेंट इन इंटर अट्रियल सेप्टम। ये देखिए डक्टस अर्टरियोसस, ओके, ये चेंज हो जाएगा आफ्टर बर्थ, ये भी क्लोज हो जाएगा और इसको हम लोग बोलेंगे लिगामेंटम अर्टरियोसम। तो आफ्टर बर्थ में, आफ्टर बर्थ हार्ट में दो चेंजेस होता है, एक क्लोजर ऑफ फोरामेन ओवेल जिसको हम लोग बोलते हैं फोसा ओवेलिस, और डक्टस अर्टरियोसस का क्लोजर जिसको हम लोग बोलते हैं लिगामेंटम अर्टरियोसम। लेकिन देखिए इसका अगर खुला रह गया उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कंजेनाइटल हार्ट डिस, ओके। तीन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हम लोगों को पढ़ना है। एक है फर्स्ट ऑफ ऑल कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होता क्या है, वो डिजीज जो बर्थ से प्रेजेंट रहे, जन्म से ही प्रेजेंट रहे, उसको हम लोग बोलते हैं कंजेनाइटल डिजीज। अगर बर्थ में कोई हार्ट में डिफेक्ट हो, बर्थ से ही पैदा होने से पहले ही हार्ट में अगर कोई डिफेक्ट हो उसको हम लोग बोलेंगे कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस। पहला आता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। दूसरा है पैटेंट फोरामेन ओवेल, पैटेंट फोरामेन ओवेल। थर्ड पैटेंट डक्टस अर्टरियोसस। ठीक है, तो क्या क्या होगा भाई? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आपके नोट्स में अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट फोरामेन ओवेल, और तीसरा है पेटेंट डक्टस अर्टरियोसस। अब आइए इस डायग्राम को एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अगर ये फोरामेन ओवेल बर्थ के बाद भी खुला रह गया, अगर बर्थ के बाद भी खुला रह गया दैट मीन्स डी ऑक्सीडेटेड ब्लड यहां से यहां क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स डी ऑक्सीडेटेड ब्लड लंग के पास जाएगा ही नहीं, ऑक्सीजन लेगा ही नहीं, मीन्स यही गंदा ब्लड यहां पे भी आएगा, फिर यहां से होते हुए यहां पे पूरे बॉडी पार्ट को सप्लाई होगा। दैट मीन्स अगर फोरामेन ओवेल खुला रह गया तो गंदा ब्लड बॉडी को सप्लाई होगा, डी ऑक्सीडेटेड ब्लड सप्लाई होगा। दूसरा अगर ये खुला रह गया तो ब्लड मान लीजिए अगर जा रहा है ऑक्सीजन होने के लिए, प्योर होने, प्यूरिफाई होने के लिए लंग के पास जा रहा है, लेकिन रास्ते में ये चैनल खुला रह गया तो ब्लड यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे चल जाएगा। और पहला जो बताया है वो है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ये जो सेप्टम है पार्टीशन वॉल है इसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये अगर डेवलप ना करे कम्प्लीटली खुला रह जाए तो इसको बोलेंगे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो देखिए यहाँ पे भी गंदा ब्लड है, गंदा ब्लड चल गया है कहाँ, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड से पूरा ब्लड बॉडी में सप्लाई होगा। दैट मींस कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में कैसा बॉडी को ब्लड सप्लाई हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सप्लाइड टू हार्ट, ओके। और इससे क्या होगा, बच्चा जो होगा ब्लूइश दिखने लगेगा, ब्लू कलर का दिखने लगेगा, इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे साइनोसिस, ओके, या ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो इन तीनों कंडीशन में क्या होता है भाई, ब्लू बेबी सिंड्रोम, या इसको और सबको बोलते मिला के कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। अच्छा, कुछ पॉइंट्स आपका छूटा हुआ है, ठीक है, वो देख लेते हैं। अभी कुछ देर पहले हम आपको बताए थे इंटर ऑरिकुलर सल्कस सेप्टम, यहां पे क्या था, ये ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, और ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये जो पार्टीशन वॉल था, ये जो पार्टीशन वॉल था ये तो अंदर की तरफ से था ना, लेकिन बाहर की तरफ से जब हार्ट को बाहर की तरफ से देखते हैं तो वहां पे एक लाइन दिखता है, ठीक है, ये लाइन दिखता है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं सल्कस। तो बाहर से हो गया ये इंटर ऑरिकुलर सल्कस, ये हो गया क्या इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस,
और ये हो गया ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सल्कस। ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सल्कस, ओके। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का मसल्स जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ये पॉइंट अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि आगे समझ में आपको नहीं होता। पूछेगा सबसे ज्यादा कौन से चेंबर में मसल्स होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, क्यों? क्योंकि देखिए ऑरिकल्स में मसल्स कम होता है इन कंपेरिजन टू वेंट्रिकल। क्यों? क्योंकि इनको ब्लड पंप हार्ट के अंदर ही करना पड़ता है, लेकिन वेंट्रिकल्स को मसल्स ज्यादा होता है क्योंकि वेंट्रिकल को बाहर भेजना होता है। अब देखिए राइट वेंट्रिकल को सिर्फ लंग के पास भेजना है, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरे बॉडी के पास भेजना है, ठीक है? लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरे बॉडी के पास भेजना है, दैट मींस इसको बहुत ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, दैट मींस इसके पास मसल्स ज्यादा होनी चाहिए। भाई एथलीट जो होते हैं उनके पास मसल ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा तेज रन करते हैं, ज्यादा वर्क करते हैं। लेबर के पास मसल्स ज्यादा होता है क्योंकि वो ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ज्यादा फिजिकल वर्क करना पड़ रहा है, इसलिए इसके पास मसल्स ज्यादा होंगे, इसको ज्यादा दूर तक ब्लड को भेजना है, ओके? तो ये आपका हार्ट जो है। नाउ हार्ट बीट, दिल की धड़कन, ओके। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते रहता है कंटिन्यूअसली, ओके। दैट मींस वन हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ एक बार कॉन्ट्रैक्शन और वन बाई रिलैक्सेशन, ओके। वन कॉन्ट्रैक्शन और वन रिलैक्सेशन। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे सर अट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन या वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, तो भाई अट्रिया का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है वो उतना ज्यादा तेज नहीं होता है, इसलिए हार्ट बीट में हम अट्रिया वाला काउंट नहीं करते हैं, वेंट्रिकल वाला काउंट करते हैं। समझ में आया? दैट मींस वन कॉन्ट्रैक्शन एंड वन रिलैक्सेशन ऑफ मेनली वेंट्रिकल इज नोन एज वन हार्ट बीट। तो देखिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट को हम लोग सिस्टोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सिस्टोल। और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट को हम लोग डायस्टोल भी बोलते हैं। दैट मींस वन सिस्टोल प्लस वन डायस्टोल इज इक्वल टू वन हार्ट बीट। ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? इतनी तो मैथ आनी चाहिए। चलिए ऑन द बेसिस ऑफ, अब ये हार्ट बीट का कॉज क्या है, ओरिजिन कैसे हो रहा है, उस बेसिस पे हार्ट दो टाइप का होता है भाई, एक न्यूरोजेनिक हार्ट और एक मायोजेनिक हार्ट। देखते हैं भाई ये न्यूरोजेनिक मायोजेनिक है क्या। तो हार्ट दो टाइप का होगा, एक न्यूरोजेनिक और दूसरा हार्ट जो है वो मायोजेनिक, ओके। न्यूरोजेनिक, अब देखिए हार्ट बनाते हैं यहां पे, ये रहा एक हार्ट, ये रहा एक हार्ट, ओके। तो यहां पे इसको ऑर्डर देना पड़ेगा भाई, इसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक स्टिमुलस देना पड़ता है या एक इंपल्स देना पड़ता है, एक इंपल्स इसको देना पड़ेगा। और कॉज ऑफ ओरिजिन ऑफ इंपल्स, इसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है, इसके हार्ट बीटिंग के लिए जो कॉज ऑफ इंपल्स है, जो आएगा ऑर्डर, वो इसके बाहर से आएगा। और कौन जनरेट करेगा? बाई न्यूरॉन या नर्व फाइबर, ओके। लेकिन इस वाले केस में हार्ट में खुद होता है क्या स्पेशल मसल फाइबर, जिसको हम लोग बोलते हैं जंक्शनल टिश्यू ऑफ हार्ट, जंक्शनल टिश्यू ऑफ हार्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, जंक्शनल टिश्यू ऑफ हार्ट भी बोलते हैं। That means cause of impulse यहाँ हार्ट के अंदर है, यहाँ हार्ट के बाहर है। BHU में क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यहाँ पे जो cause of muscular contraction relaxation है कौन है? Neurons है, वहां भाई यहाँ neurons है। यहाँ पे भी ऑप्शन इसी तरह से दिया गया कि ये contraction relaxation करवा रहा है वो कौन है, nerve fiber है या muscle fiber है,
या स्पेशलाइज मसल फाइबर है? तो आंसर जाएगा भाई स्पेशलाइज मसल फाइबर। उस मसल फाइबर में कुछ मॉडिफिकेशन होता है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशलाइज मसल फाइबर। ओके, अब देखिए इसका न्यूरॉन से कनेक्शन है तभी ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर पा रहा है। दैट मीन्स इसको बॉडी से बाहर निकलिए, रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी, बॉडी से बाहर निकालें, इसका कनेक्शन तार का कनेक्शन कटा, बिजली का कनेक्शन कटा, इट विल नॉट वर्क। ओके, इसमें तो इसके अंदर ही है ना, तो आप इसको बॉडी से बाहर निकालिए ना, ये फिर भी काम करेगा। वर्क इवन इफ रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी। ओके, नाउ अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, और एक बात बता दूं, हम लोग का जो हार्ट है ह्यूमन हार्ट वो मायोजेनिक है, और ये न्यूरोजेनिक लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है। अब दूसरी बात, जो जंक्शनल टिश्यू ऑफ हार्ट है उसको हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं जंक्शनल टिश्यू ऑफ हार्ट। जंक्शनल टिश्यू ऑफ हार्ट चलिए छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। यहां पे एक जंक्शनल टिश्यू होता है, इसका नाम है एसए नोड। क्वेश्चन पीएमटी में पूछा जा चुका है, लोकेशन, सो इट इज लोकेटेड इन राइट एट्रियम। बोलो भाई कहां लोकेट होगा? राइट एट्रियम। दूसरा क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो नोन एज पेस मेकर ऑफ हार्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज पेस मेकर ऑफ हार्ट। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया, फुल फॉर्म ऑफ एसए नोड, इसको बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड। क्वेश्चन दूसरा, किस रेट से बीटिंग करवाता है? अबाउट 72-75 बीट्स पर मिनट। तो इससे चार के चारों क्वेश्चन अगर आप एमसीक्यूज अपना लगाएंगे, चाहे वो कोई भी एमसीक्यूज हो, ये चार आपको ऐसे नोट से मिलेंगे। क्या क्या भाई? इसका लोकेशन कहां है? तो राइट एट्रियम में लोकेटेड है। इसका दूसरा नाम क्या है? पेस मेकर ऑफ द हार्ट। इसका फुल फॉर्म क्या है? साइनो एट्रियल नोड। और किस रेट से जनरेट करता है? 72-75 बीट्स पर मिनट। फिर देखिए यहां पे और एक होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में और एक जंक्शनल टिश्यू होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एवी नोड। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म क्या है? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। क्या है भाई ये? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में रहने वाला नोड जो है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। दूसरा क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेस सेटर ऑफ हार्ट, पेस सेटर ऑफ हार्ट। तीसरा क्वेश्चन, ये किस रेट से जनरेट करवाता है बीट्स? अबाउट 45 पर मिनट। ओके, अब देखिए इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन होता है, इस कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं इंटरनोडल फाइबर, इंटरनोडल फाइबर। दैट मींस ऐसे नोड क्या करवाएगा? पहले ऑरिकल का फटाफट कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा, फिर यहां से कुछ टाइम लगेगा, फिर एवी नोड के पास इंपल्स ऑर्डर जाएगा। अब एवी नोड के पास से यहां पे और एक दोनों सेप्टम के बीच में, इस सेप्टम के बीच में एक फाइबर जाता है, इस फाइबर को हम लोग बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस।
ये कहां प्रेजेंट रहता है? प्रेजेंट इन इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। कहां भी प्रेजेंट रहता है? प्रेजेंट इन इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब यहां से और एक फाइबर का ओरिजिन होता है, यहां से और एक फाइबर का ओरिजिन होता है। इस फाइबर को हम लोग बोलते हैं परकिंजी फाइबर। तो परकिंजी फाइबर पहला क्वेश्चन, परकिंजी फाइबर से जो पूछा जाता है ये कहां प्रेजेंट रहता है? तो ये प्रेजेंट रहता है इन द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल, प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल। भाई दूसरा क्वेश्चन आया, ये करता क्या है? इट कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। समझ में आ रहा भाई? इट कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। ये सबको मिला के हम लोग बोलते हैं जंक्शनल टिश्यू ऑफ हार्ट। चलिए अब इतना सारा है, आप इसको याद कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक याद करने का तरीका है, क्या कोड है? सेव सेव हिस पर्क। तो हार्ट में कितने जंक्शनल टिश्यू रहते हैं भाई? S4 SA node, AV से AV नोड, हिस मतलब बंडल ऑफ हिस, और पर्क से हो गया खाने वाला पर्क नहीं, परकिंजी फाइबर। समझ में आ रहा है? मुंह में पानी आ रहा पर्क नाम सुन के। चलो एक बार फिर से बता देता हूं, ऐसे नोड कहां होगा? राइट एट्रियम में, लोकेशन हो गया। इसको पेस मेकर बोलते हैं, रेट ऑफ जनरेशन 72-75 पर मिनट। ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल करवा देगा, फिर इंटरनोडल फाइबर जो है वो ऑर्डर को ले जाएगा एवी नोड के पास, ठीक है? एवी नोड जो होगा थोड़ा धीरे काम करता है, इसलिए स्टिमुलस में डिले होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एवी नोडल डिले। एवी नोड 45 से जनरेट करवा रहा है, 45 पर मिनट बीट्स, ओके? इसीलिए इसको बोलते हैं पेस सेटर ऑफ द हार्ट। क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या अगर ऐसे नोड खराब हो गया तो कौन अब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट करवाएगा? तो भाई वो कौन करवाएगा? एवी नोड, ओके? कहां रहता है? अट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, ओके? फिर बंडल ऑफ हिस कहां रहेगा? इन द सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। फिर परकिंजी फाइबर पे क्वेश्चन ये आता है, लोकेशन कहां है? वेंट्रिकल के वॉल में। और इसका फंक्शन क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, कार्डियक साइकिल, ओके? कार्डियक साइकिल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसे थोड़ा आप ध्यान देके समझिएगा, नहीं तो ये समझ में नहीं आने वाला। आपके स्कूल में तो ऐसे भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप स्कूल में ध्यान भी नहीं देते हैं। चलिए कार्डियक साइकिल, इवेंट्स इन वन हार्ट बीट। एक बार हार्ट कॉन्टैक्ट और रिलैक्स जो कर रहा है उसमें जो सारा इवेंट हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं कार्डियक साइकिल, ओके? इस कार्डियक साइकिल, वन कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो है 0.8 सेकेंड। अब देखिए, आपको पता है ह्यूमन हार्ट में कितने चेंबर्स होते हैं भाई? 4 चेंबर्स, ऑरिकल और वेंट्रिकल। दैट मीन्स ऑरिकल में एक साइकिल रन करेगा, ठीक है? ऑरिकल में एक साइकिल रन करेगा, वेंट्रिकल में एक साइकिल रन करेगा। ऑरिकल अपना वाला साइकिल चलाएगा, वेंट्रिकल अपना वाला। दैट मीन्स कार्डियक साइकिल में एक साइकिल जो होता है उसमें दो पहिए होते हैं। क्यों भाई? अगर साइकिल चलता है तो क्या होता है? दोनों पहिए चलते हैं। अगर एक साइकिल चलता है तो दोनों पहिए चलते हैं कि नहीं? हाँ या ना? हाँ ना? चलिए, तो कार्डियक साइकिल एक साइकिल की तरह है जिसमें उसके दो पहिए एक साथ चलते हैं। वो पहिए क्या क्या है? ऊपर वाला ऑरिकल एक पहिया, वेंट्रिकल नीचे वाला एक पहिया। एक में ऑरिकुलर साइकिल चलेगा और एक में वेंट्रिकल साइकिल चलेगा, वेंट्रिकुलर साइकिल चलेगा। तो इस साइकिल में दो इवेंट होते हैं, क्या क्या? एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन, दैट इज एक सिस्टोल और एक डायस्टोल। समझ में आ रहा है? दो पहिए रन कर रहे हैं भाई, समझ में आ रहा है? इतना आसानी से समझा रहा हूं, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है?
दो ऑरिकल्स, एक ऑरिकल्स इधर चल रहा है, एक साइकिल इधर चल रहा है, और इधर एक वेंट्रिकुलर साइकिल चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो कार्डियक साइकिल, इसमें जो आपसे क्वेश्चन आता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आता है वो टाइम ड्यूरेशन को लेके आता है, ठीक है। तो फिलहाल हम टाइम ड्यूरेशन को डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से दीजिए, समझ में आ जाएगा, टफ नहीं है। पहला अट्रियल साइकिल, दूसरा वेंट्रिकुलर साइकिल। चलिए अट्रियल साइकिल में देखिए क्या क्या होता है। ये एक साइकिल हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, और इसको 8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड होता है ना, तो इसको हम लोग 0.1 सेकेंड के फ्रैक्शन में बांट देते हैं। तो देखिए कैसे बांटेंगे। अगर इस डायग्राम में आप ध्यान देंगे, ये 0.1 सेकेंड, ऐसे 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 ऐसे, ये 0.1, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 8 क्वाड्रेंट में इसको बांट दिए। अभी बताएं कोई भी साइकिल हो उसमें क्या होगा, सिस्टोल और डायस्टोल। दैट मीन्स इसमें होगा अट्रियल सिस्टोल और अट्रियल डायस्टोल, होगा कि नहीं होगा भाई। तो अट्रियल सिस्टोल का जो ड्यूरेशन है वो 0.1 सेकेंड का होता है। अट्रियल सिस्टोल का जो ड्यूरेशन है वो कितने सेकेंड का है, 0.1 सेकेंड। बाकी हो गया अट्रियल डायस्टोल, तो अट्रियल डायस्टोल हो गया 0.7 सेकेंड, 0.7 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। ये तो हो गया 0.8 सेकेंड में। ऊपर वाला पहिया क्या कर क्या काम कर रहा है वो आपको हम दिखा दिए। दूसरा नीचे वाला पहिया क्या काम कर रहा है, नीचे वाला जो साइकिल है वो क्या काम कर रहा है वो तो देखते हैं। तो इसका भी उसी तरह बनाते हैं। इसमें भी क्या होगा, वेंट्रिकल का सिस्टोल, वेंट्रिकल का सिस्टोल, वेंट्रिकल का डायस्टोल, समझ में आ रहा भाई। इसको भी क्वाड्रेंट में बांटते हैं, बैठ गया डायग्राम आपके नोट्स में बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये सिस्टोल जो होता है यहां 0.3 सेकेंड का होगा। तो देखिए पॉइंट 3 सेकेंड, डायस्टोल जो होगा 0.5 सेकेंड, तो 0.8 सेकेंड में आगे वाला पहिया इस तरह से काम कर रहा है, पीछे वाला पहिया इस तरह से काम कर रहा है। लेकिन यहां पे एक टर्म्स है, अट्रिया और वेंट्रिकल, अट्रिया और वेंट्रिकल दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि भाई अगर अट्रिया और वेंट्रिकल दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा हार्ट में तो ब्लड रहेगा ना, हार्ट फट जाएगा, इसलिए अट्रिया और वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। चलिए ये आपको पता चल गया, अट्रिया और वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो ये जो साइकिल है ये भी 0.8, इसी 0.8 सेकंड में ये काम कर रहा है, और इसी 0.8 सेकंड में ये काम कर रहा है। दैट मींस दोनों काम कितने सेकंड में कर रहा है, 0.8 सेकंड में। अब ऐसा मत बोलिएगा सर 0.8 सेकंड इसका, 0.8 सेकंड इसका, ऐसा नहीं है, तब तो आपको 0.16 सेकंड हो गया ना। मतलब आपके पास इतना टाइम है, आप उसी में दो लेवर से काम करवा रहे हैं। ये एक लेवर 0.8 सेकंड में कुछ काम कर रहा है, ये एक लेवर 0.8 सेकंड में कुछ काम कर रहा है। या आप एक साइकिल चला रहे हैं 0.8 साइकिल में, आगे वाला पहिया क्या काम किया, पीछे वाला पहिया क्या काम किया वो है, ठीक है। अब हम लोग दोनों को ओवरलैप करते हैं 0.8 सेकंड में क्या क्या हुआ। एक बड़ा सा सर्कल बनाते हैं, इसको भी वही बांटते हैं, बट गया ओके। नाउ इसको दो भाग में हम लोग बांट लेते हैं। अंदर वाला में हम लोग अट्रिया बनाते हैं, बाहर वाले में वेंट्रिकल। तो देखिए अट्रिया का सिस्टोल कितने देर का था, 0.1 सेकेंड, ठीक है। अट्रिया वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, अब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं।
ओके, अट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया 0.1 सेकंड के लिए, वेंट्रिकल ये रहा 0.1, 0.1, 0.1, 0.3 सेकंड के लिए, तो 0.4 सेकंड का आपको इवेंट पता चल गया। अब ये देखिए, अट्रिया भी रिलैक्स है, वेंट्रिकल भी रिलैक्स है, तो ये वाला जो फेज है इसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल, BHU। क्वेश्चन पूछा, क्या क्वेश्चन पूछा, ड्यूरेशन ऑफ जॉइंट डायस्टोल, ड्यूरेशन ऑफ जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल का ड्यूरेशन होता है कितना, 1, 2, 3, 4, 0.4 सेकेंड, कितना होगा भाई 0.4 सेकेंड, तो पता चल गया। अब आपको इस साइकिल में हम दिखाते हैं अट्रिया का इवेंट, तो अट्रिया का देखिए 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रेक्शन, बाकी रिलैक्सेशन, अब इसको ढक दीजिए, वेंट्रिकल देखिए 0.3 सेकंड के लिए कॉन्ट्रेक्शन, बाकी रिलैक्सेशन, ये आपका था टाइम ड्यूरेशन। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इवेंट्स क्या क्या हो रहा कार्डियक साइकिल में, इसको हम लोग 3 फेजेस में स्टडी करेंगे, इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल। ठीक है, इसको हम लोग 3 फेजेस में पढ़ेंगे। पहले वो जो सर्कल हम लोग बनाए थे, वो सर्कल आपको समझ में आया, उसको फिर से ड्रॉ करते हैं। याद आ रहा ना भाई, अभी थोड़ी देर पहले इसको ड्रॉ किए थे। सर इतना याद रहता तो मैं एम्स नहीं पहुंच जाता, क्या ही बोल रहे हो ना मन में। चलो समझ में आ रहा है भाई, ये अट्रिया वाला है, ये वेंट्रिकल वाला इवेंट है। चलिए अब इसको हम लोग 3 फेज में डिवाइड करेंगे। फेज 1, फेज 2 और फेज 3। तो देखिए फेज 1 में क्या क्या इवेंट्स होता है। फेज 1 होता है जॉइंट डायस्टोल, दैट मींस बोथ अट्रिया प्लस वेंट्रिकल क्या होगा, ये रिलैक्स्ड, बोथ अट्रिया और वेंट्रिकल क्या होगा, रिलैक्स्ड। थर्ड पॉइंट, ड्यूरेशन कितना होगा, थोड़ी देर पहले पढ़ाए हैं 4 सेकेंड, काम क्या क्या होगा, अब हार्ट बना लेते हैं यहां पे, ठीक है। तो अब ये रिलैक्स है तो ब्लड यहां से हार्ट में भरेगा, यहां से भरेगा, यहां से पल्मोनरी वेन से आएगा, 4 पल्मोनरी वेन होता है ना भाई, ठीक है, और फिर धीरे धीरे ब्लड यहां से यहां आएगा, इसमें ब्लड कम्स इन ऑरिकल, ऑरिकल में ब्लड आता है, और इसका 70% जितना ब्लड ऑरिकल में आता है 70% पास्ड टू वेंट्रिकल्स, दैट मींस ये 70% हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है एनर्जी नहीं लगेगा, दैट इज ये पैसिव ट्रांसपोर्ट हुआ, इसमें कोई एनर्जी खर्चा नहीं हुआ, इसमें एडजेक्टिव ऐड करेंगे पैसिवली, तो 70% ऑफ ब्लड इज पैसिवली ट्रांसफर टू द वेंट्रिकल। समझ में आया भाई, तो फेज 1 समझ में आया, ये क्या है, इवेंट ऑफ जॉइंट डायस्टोल, इसमें क्या होगा, अट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स फेज में रहेंगे, ड्यूरेशन कितना होगा 0.4 सेकेंड, इसमें क्या होगा, ब्लड कम्स इन ऑरिकल, क्या होगा 70% ऑफ ब्लड ऑफ ऑरिकल इज पास टू द वेंट्रिकल। अब दूसरे फेज में आते हैं, दूसरे फेज में होता है इवेंट अट्रियल सिस्टोल, ठीक है, मतलब ये वाला फेज हम लोग फेज 1 था, फेज 1,
अब ये वाला जो है वो फेज टू, ठीक है, अट्रिया सिस्टोल करेगा, यस, अट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, तो रूट्स ऑफ वेना कावा इज कंप्रेस्ड, पल्मोनरी वेन का रूट जो होता है वो कंप्रेस्ड हो जाएगा, दैट मींस ब्लड बैक फ्लो नहीं कर पाएगा और यहां पे जनरेट होगा क्या प्रेशर। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो भाई प्रेशर जनरेट होगा कि नहीं होगा, जब प्रेशर जनरेट होगा तो एवी वाल्व ओपन्स, एवी वाल्व खुल जाएगा, एवी वाल्व खुला तो ब्लड जो है अब ऑरिकल से कहां आएगा भाई, वेंट्रिकल में, लेकिन 70% तो ऑलरेडी पास कर चुका था, दैट मींस रिमेनिंग 30% ऑफ ब्लड इज पास्ड फ्रॉम ऑरिकल टू वेंट्रिकल, रिमेनिंग 30% ऑफ ब्लड इज पास्ड फ्रॉम ऑरिकल टू वेंट्रिकल। थर्ड फेज, फेज थ्री, फेज थ्री में होगा वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो भाई ड्यूरेशन कितना होगा बोलिए, 0.3 सेकेंड, समझ में आ रहा है भाई ड्यूरेशन कितना होगा, पहले पढ़ा चुके ना यार ड्यूरेशन 0.3 सेकेंड होगा। चलिए भाई, तो अगर ये दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो देखिए क्या होगा, पहली बात ये देखिए, यहां पे जो वाल्व था वो खुला हुआ था, नहीं खुला था तभी तो आया, अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वाल्व क्लोज होगा, उसी तरह से यहां पे भी होगा, ये वाल्व खुला हुआ था, एक बड़ा डायग्राम बनाते हैं यहां पे, ये वाल्व खुला हुआ था, ट्राई का स्पीड यहां, बाई का स्पीड यहां, ओके। नाउ जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये सारे वाल्व जो होंगे वो खुले हुए हैं, बंद होंगे, ये बंद हुआ, तो जब ये बंद होगा, एवी वाल्व बंद होगा, तो यहां पे एक साउंड प्रोड्यूस होगा, इसको बोलते हैं लब, तो क्या इवेंट होगा, क्लोजर ऑफ एवी वाल्व, एवी वाल्व कहने का मतलब है बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, एंड अ साउंड विल बी प्रोड्यूस्ड नोन एज लब, और इसको हम लोग फर्स्ट हर्ट साउंड भी बोलते हैं। चलिए दूसरा इवेंट देखिए क्या होगा, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो यहां पे एक प्रेशर जनरेट होगा ब्लड के कारण, और ऑटा में, ये पल्मोनरी ट्रंक है, ये ऑटा है, पहले डिटेल बता चुके हैं यार, पूरा डायग्राम मैं बार बार नहीं बनाऊंगा, ये जो ब्लड है अब ये प्रेशर जनरेट कर रहा है, प्रेशर जनरेट हुआ, डोंट थिंक अदरवाइज, ओके, यहां पे जो वाल्व था सेमी लुनर वाल्व वो अब ओपन होगा, समझ रहे हो भाई, मारा प्रेशर तो ये वाल्व ओपन हुआ, जब ये वाल्व ओपन हुआ तो ब्लड गोज टू लंग, और ये प्रेशर मारा तो ये वाला खुला, ठीक है, जब ये प्रेशर मारा तो ये वाला खुला, अब बोलो सर ये वाला क्यों उल्टा डायरेक्शन में नहीं खुल रहा है, अरे भाई बताए थे यहां पे होता है कोडीटेंडनी, याद करो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, कोडीटेंडनी जो होगा इसको प्रोलैप्स नहीं होने देता है, फंक्शन बता चुके हैं, अब ये बंद, ये खुलेगा नहीं तो ब्लड प्रेशर जनरेट करेगा, ये खुलेगा और ब्लड चल जाएगा पूरे बॉडी में, सो राइट वेंट्रिकल पासेस ब्लड टू लंग वाया पल्मोनरी ट्रंक, वाया पल्मोनरी ट्रंक ड्यू टू ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी सेमी लूनर वाल्व, और लेफ्ट वेंट्रिकल पुशेस ब्लड टू होल बॉडी, ठीक है, वाया ऑटा ड्यू टू ओपनिंग ऑफ ऑर्टिक सेमीलूनर वाल्व, ड्यू टू ओपनिंग ऑफ ऑर्टिक सेमीलूनर वाल्व, तो भाई थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ये था तो 0.4 सेकेंड यहां हुआ और 0.1 सेकेंड यहां हुआ और 0.3 सेकेंड यहां हुआ, तो ये पूरा इवेंट है आपके कार्डियक साइकिल का, फिर से मैं बताता हूँ पूरा कार्डियक साइकिल, ठीक है,
कार्डियक साइकिल अभी आपको मैंने बताया था, दो साइकिल एक साथ चल रहा है, ठीक है, वो टाइम ड्यूरेशन के लिए बताया था, वो आपको अब तक रट जाना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को प्लेबैक करिए, आपको फिर समझ में आ जाएगा। लेकिन ये जो फेजेस है, जो इवेंट है, उसको मैं फिर से समझाता हूँ। फेज वन जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, और ये जॉइंट डायस्टोल है, ठीक है। दैट मीन्स बोथ अट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर इन रिलैक्सेशन फेज, दोनों आराम कर रहे हैं भाई। तो इसका ड्यूरेशन कितना है भाई, अभी आप कैलकुलेट किए हो, 0.4 सेकंड। इसमें क्या होगा, जब ये रिलैक्स करेगा तो यहाँ से ब्लड पूरे बॉडी पार्ट से आएगा और लंग से यहाँ पे आएगा, और इसका 70% ऑफ ब्लड पैसिवली ट्रांसपोर्टेड, आप नोट करिए, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट जो है आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इट मे बी द योर नेक्स्ट एआईपीएमटी क्वेश्चन, ओके। नाउ फेज टू, फेज टू, फेज टू का ड्यूरेशन है 0.1 सेकंड, इसमें अट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब जो 30% ब्लड बच गया था वो यहां पे आके वेंट्रिकल में, मतलब ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होगा तो राइट ऑरिकल से ब्लड राइट वेंट्रिकल में, बाइकस्पिड वाल्व ओपन होगा तो लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये इवेंट प्रोड्यूस हुआ। अब देखिए फेज थ्री, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा तो ये तो खुल नहीं सकता, ये तो खुल नहीं सकता, लेकिन यहाँ प्रेशर आएगा, ठीक है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन जब होगा ना तो ये वाला वाल्व बंद होगा, ठीक है, और बंद होगा तो एक साउंड प्रोड्यूस होगा, लब, जिसको हम लोग फर्स्ट हार्ट साउंड बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट किया, प्रेशर बढ़ा तो ब्लड यहाँ से पल्मोनरी टंग के थ्रू गया लंग में, और यहाँ पूरे बॉडी में, यहाँ पे ओपनिंग हुआ पल्मोनरी सेमीलुनर वाल्व का, यहाँ पे ओपनिंग हुआ ऑर्टिक सेमीलुनर वाल्व का, समझ में आ रहा है भाई, ठीक है। अब नाउ फिर वही फेज रिपीट होगा, फिर से अब सब डायस्टोल, सब आराम करना चालू करेगा। जब ये डायस्टोल करना चालू करेगा तब यहाँ पे ये जो वाल्व खुला था प्रेशर के कारण ऊपर की तरफ खुल गया था, अब वो फिर बंद होगा, ठीक है, ये वाल्व फिर बंद होगा, और यहाँ पे एक सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा, इसको बोलेंगे S2, और इसका नेचर होता है डब। तो हमने आपको हार्ट साउंड भी पढ़ा दिया, हार्ट साउंड कितने टाइप के होते हैं भाई, दो टाइप के, S1 और S2, आपके नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट हार्ट साउंड लब, दूसरा सेकंड हाउ, दूसरा सेकंड हार्ट साउंड डब, ओके। इसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं, इट इज मेजर्ड बाय मींस ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेथोस्कोप, जो आपके नोट्स का फ्रंट पिक भी है, या आप देखेंगे कई डॉक्टर्स आपके हार्ट पे लगा के आवाज को सुनते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कार्डियक साइकिल और हार्ट साउंड। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्ट्रोक वॉल्यूम, इसका डेफिनेशन है आपके नोट्स में लिखा हुआ है, ब्लड पंप्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके, ब्लड पंप्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल इन द aorta, ब्लड पंप्ड बाय हार्ट या लेफ्ट वेंट्रिकल इन वन हार्ट बीट या वन कार्डियक साइकिल, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, और इसका वैल्यू होता है अबाउट 70 ml। दूसरा पॉइंट, हार्ट रेट, नॉट हार्ट बीट, दैट मींस नंबर ऑफ बीट्स, नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, एक मिनट में हार्ट कितने बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हार्ट रेट। चलिए तो देखिए एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, अच्छा अभी आपको बताया था मैंने एक हार्ट बीट का ड्यूरेशन कितना होता है 0.8 सेकंड, तो 0.8 सेकंड, 0.8 सेकंड में वन हार्ट बीट हो रहा है, तो वन सेकंड में कितना होगा, 1/0.8, तो 60 सेकंड, यानी कि वन मिनट में कितना होगा, 1/0.8 × 60, मैं तो भूल गया, हो क्या आप लोग, चलो यहाँ पे जीरो बैठा दो, 8 × 7 = 56, 4 × 8 = 5, यानी कि 75 बीट्स
पर मिनट, ये हो गया आपका हार्ट रेट। तो भाई ये वैल्यू वेरी करता है, ठीक है, ये वैल्यू वेरी करता है। तो इसका रेंज होता है अलग अलग ह्यूमन में अलग अलग होता है, अबाउट 70 to 75 पर मिनट हार्ट बीट। अब देखिए कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक आउटपुट वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट इन वन मिनट, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट पर मिनट। एक मिनट में जितना ब्लड वो बाहर निकाल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं। एक कार्डियक साइकिल में, ठीक है, एक बार एक बीट में कितना निकाल रहा है, 70 ml। तो कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला हो गया स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो गया 70 और इसका लेते हैं 72। तो इसको इंटू करिए, देखिए कितना आ रहा है, 72 × 70, ये जीरो यहाँ बैठा देते हैं, ठीक, एक मिनट, 00 नहीं का हो जाएगा गलत, 7 × 2 = 14, 1 रह गया, 7 × 7 = 49, 150 मीन्स 5040 ml, 5040 ml। इसको लीटर में कन्वर्ट करिए, अबाउट 5.04 लीटर, अबाउट 5 लीटर अप्रोक्स, ठीक है। जहां मैथ आता है आप लोगों का दिमाग गायब हो जाता है। एक बार फिर से मैं बताता हूं, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, ब्लड पंप्ड बाय हार्ट या लेफ्ट वेंट्रिकल इन वन हार्ट बीट या वन कार्डियक साइकिल, अमाउंट 70 ml। हार्ट रेट नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, रट्टा मार लीजिए 75, ठीक है, या 70 to 75 एक रेंज है। थर्ड कार्डियक आउटपुट वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट पर मिनट, तो इसके लिए निकालेंगे क्या करेंगे, एक कार्डियक साइकिल में कितना निकाल रहा है, ठीक है, और एक मिनट में कितने कार्डियक साइकिल्स हो रहे हैं, ठीक है, 70 × 72 5040 ml, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे 5 लीटर अप्रोक्स, ठीक है। ये आप था, ये कई बार पूछा जा चुका है आपके BHU में, स्टेटमेंट में से भर भर किससे कुछ। अब तक हम लोग हार्ट का डिस्कशन कर चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो क्लोज्ड वास्कुलर सिस्टम में, ये क्लोज्ड वास्कुलर सिस्टम, ओपन वास्कुलर सिस्टम क्या है हम आगे समझा देंगे, ठीक है। क्लोज्ड वास्कुलर सिस्टम में 3 वेसल्स होता है, एक होता है आर्टरी, एक होता है वेन और एक होता है कैपिलरी, ओके, आर्टरी वेन कैपिलरी आपको नाम पहले से पता है। आप अगर अपने बुक का डायग्राम देखेंगे, अपने नोट्स का डायग्राम देखेंगे, उसमें 3 पाइप घुसा हुआ है, ठीक है। जैसे एक डायग्राम बनाए, ये रहा एक पाइप, डायग्राम देखिए भाई बुक में अच्छा डायग्राम बनाया हुआ, मेरा डायग्राम बड़ा बेकार होता है, ये मतलब 3 पाइप का कॉम्बो है, ट्यूब विद इन ट्यूब, आर्टरी और वेन क्या है, ट्यूब विद इन ट्यूब। कैपिलरी का डिस्कशन बाद में करेंगे, अभी आर्टरी और वेन का डिस्कशन कर रहे हैं। तो एक आर्टरी, एक काम करिए इसको कट करिए क्रॉस सेक्शन, ठीक है, और इसको यहां पे ऐसे मैं बनाता हूं डायग्राम, ये जो सबसे बाहर वाला लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ओके। नाउ अंदर में और लेयर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना, तो भाई बाहर हो गया अंदर हो गया, दैट मींस बीच में भी कुछ होगा, बीच वाले को हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, बीच वाले लेयर का होता है ट्यूनिका मीडिया। तो
आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ब्लड वेसल्स में कितने लेयर्स होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कैपिलरीज, तीन लेयर्स होते हैं, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर, या बायोलॉजिकल टर्म में हो सकता है ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। ये क्वेश्चन आपके एपीएमटी में नहीं आता है, ये तो सब आजकल क्लास 10 से जान रहे। क्वेश्चन पूछेगा क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज थिकेस्ट लेयर, तो ट्यूनिका मीडिया इज थिकेस्ट लेयर, ओके। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंस मसल्स, सो मसल्स आर मेनली प्रेजेंट इन ट्यूनिका मीडिया, मसल्स आर मेनली प्रेजेंट इन मीडिया, ट्यूनिका मीडिया, ओके। ये आपका एक डायग्राम हो गया। अब वेन का डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ट्यूनिका एक्सटर्ना बन गया, तो ये रहा ट्यूनिका इंटरना, ये रहा ट्यूनिका मीडिया, और ये बाहर वाला ट्यूनिका एक्सटर्ना, ओके। डिफरेंस देखिए दोनों में क्या है, इसका जो मिडिल लेयर है वो काफी थिन है, दैट इज ट्यूनिका मीडिया इज वेरी थिन। आप इसको इस तरह से ही इमेजिन कर सकते हैं, एक पेप्सी होता है जो आप बचपन में 2 रुपए का लेके चूसते थे, ठीक है, वो उसका जो कवरिंग होता है काफी नैरे होता है, और एक गैस पाइप होता है, ठीक है, जो हम लोग के घर में किचन में यूज होता है गैस पाइप, वो काफी मोटा होता है। अगर उसमें से पेप्सी निकाल दिया जाए जो हम लोग बचपन में चूसते थे, तो वो कोलैप्स कर जाता था क्योंकि उसमें थिकनेस कम था, लेकिन ये जो मोटा वाला पाइप है गैस वाला, ये कोलैप्स नहीं करता, इसमें गैस हो या ना हो। तो चलिए ये समझ में आया। दूसरा, दोनों का साइज सेम है लेकिन इसका ये जो स्पेस है, ठीक है, यहां से ब्लड फ्लो करेगा इस स्पेस से ना, समझ में आ रहा ना, ये पाइप था ना, इसी को काट के इस तरह से डायग्राम बनाए हैं, तो ये क्या हो गया, यहां से ब्लड फ्लो करेगा, तो इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं ल्यूमेन, ठीक है, ये भी इसको हम बोलेंगे क्या, ल्यूमेन। तो आर्टरी वेन में अगर डिफरेंस देखें, ठीक है, आर्टरी वेन में अगर हम लोग डिफरेंस देखें, आर्टरी वेन में अगर हम लोग डिफरेंस देखें, तो यहां पे जो ल्यूमेन होगा वो नैरो ल्यूमेन, आर्टरी में जो ल्यूमेन होगा वो नैरो होगा, यहां पे वाइड ल्यूमेन, यहां पे ल्यूमेन क्या होगा वाइड, यहां पे ल्यूमेन क्या होगा नैरो। ट्यूनिका मीडिया जो है यहां पे थिक होगा, ट्यूनिका मीडिया क्या होगा भाई बोलिए, ट्यूनिका मीडिया क्या होगा थिक, तभी तो ल्यूमेन यहां पे वाइड है, तभी तो यहां पे ल्यूमेन वाइड है, यहां पे ट्यूनिका मीडिया क्या है थिन, यहां पे ल्यूमेन नैरो क्यों है, क्योंकि ट्यूनिका मीडिया, अगर ये गैप है समझिए, इसमें एक मोटा सा लेयर घुसा हुआ है, अगर इसमें मोटा सा लेयर घुसा हुआ है इसका ल्यूमेन कम ना होगा, अगर यही इसका गैप जो है फिलअप नहीं है, पतला सा लेयर इसके अंदर एक और है, ठीक है, तो इसका ल्यूमेन वाइड ना होगा, ये गैप ओपनिंग वाइड ना होगा, तो यहाँ पे थिक ल्यूमेन है, थिक है इसलिए ल्यूमेन नैरो है, यहाँ पे ट्यूनिका मीडिया थिन है इसलिए ल्यूमेन वाइड है, ट्यूनिका मीडिया थिन, ओके। चलिए, मीन्स सेम अमाउंट ऑफ ब्लड यहां से भी फ्लो कर रहा है, सेम अमाउंट ऑफ ब्लड यहां से भी फ्लो कर रहा है, लेकिन यहाँ कम स्पेस से। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपके घर में जब पानी वगैरह नहीं आता, आप पाइप से कभी पानी फिल करते हैं अपने घर में लाते हैं, या गार्डन में देखते हैं, ठीक है, जब उस गार्डन के पाइप को हम लोग थोड़ा सा दबाते हैं तो वो बहुत तेजी से पानी फ्लो करता है,
ठीक है, बहुत तेजी से पानी फ्लो करता है, ओके वही सेम कंडीशन यहां पे है। तो आर्टरी के थ्रू ब्लड जो फ्लो करता है विथ अ जर्क, ब्लड फ्लो विथ जर्क, यहां पे नो जर्क, कोई जर्क नहीं होगा, प्रेशर के थ्रू फ्लो नहीं करता है, ओके। नाउ अब आर्टरी में जो है वाल्व एब्सेंट होता है, वाल्व एब्सेंट होने का एक कारण है, ठीक है, आर्टरी में एक प्रेशर से ब्लड फ्लो हो रहा है, आर्टरी में ब्लड प्रेशर से फ्लो हो रहा है, दैट मींस वो उल्टे डायरेक्शन में नहीं आ सकता है, इसलिए वाल्व का दरकार ही नहीं है। लेकिन वाल्व में वो सॉरी वेन में वो धीरे धीरे फ्लो करता है, दैट मींस वो रिवर्स डायरेक्शन में भी आ सकता है, इसलिए वहां पे वाल्व प्रेजेंट होता है। तो आर्टरी में नो वाल्व, यहां पे वाल्व प्रेजेंट, ओके। अगर आप अपने स्किन को देखेंगे यहां पे ब्लू ब्लू कलर का एक स्ट्रक्चर दिखेगा, पाइपलाइन दिखेगा, वो होता है वेन, और आर्टरी नॉर्मली दिखता नहीं है, वो डीपली प्लेस इन द बॉडी होता है। सो आर्टरी इज डीपली प्लेस्ड इन बॉडी, और ये सुपरफिशियली प्लेस्ड इन बॉडी, ओके। नाउ इसका जो कलर होगा पिंकिश होगा, ठीक है, पिंकिश होगा, और इसका कलर जो होगा वो ब्लूइश होगा या डार्क रेड होगा या डीप रेड होगा, ओके। इसका कलर जो होगा आर्टरी, क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना। सो आर्टरी का प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, कोई भी आर्टरी हो, ठीक है, चाहे वो ऑर्टा हो, कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, या चाहे पल्मोनरी आर्टरी हो या पल्मोनरी ट्रंक हो, पल्मोनरी आर्टरी भी क्या करता है, ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो डेफिनेशन क्या हो गया, कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, इट कैरीज ब्लड टुवर्ड्स हार्ट, ओके। चलिए, इट कैरीज आर्टरी में इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑलवेज एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ऑल आर्टरी कैरीज ऑक्सीजिनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ऑल वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। क्यों भाई, पल्मोनरी वेन जो है वो लंग में कैसा ब्लड लाता है, बोलिए, लंग से आता है ना पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड। और एक डिफरेंस यहां पे थोड़ा सा जगह और लिख देता हूं, ये नॉन कोलेप्सिबल होता है और ये कोलेप्स कर सकता है, ये पेप्सी वाला पाइप है, ये गैस वाला पाइप है, नॉन कोलेप्सिबल, और ये वाला जो है वो कोलेप्सिबल, ओके। कैपिलरीज का, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक डायग्राम बनाते हैं छोटा सा। ये देखिए भाई, आर्टरी जो है वो डिवाइड करके बनाता है आर्टरियोल, आर्टरी जो है वो डिवाइड करके बनाता है आर्टरियोल, ओके। अब ये आर्टरियोल जो है वो फिर से डिवाइड करता है और बनाता है कैपिलरीज, ओके तो इस तरह से कैपिलरीज का फॉर्मेशन होता है। ओके अब नाउ ये कैपिलरीज बन गया, तो आर्टरियोल डिवाइड करके बनाया क्या कैपिलरीज, ये कैपिलरीज यूनियन करके बनाता है वेनियोल्स,
वेन्यूज, और वेन्यूज कंबाइन करके बनाता है वेन। तो आर्टरी के डिवीजन से क्या बना? आर्टरियोल। आर्टरियोल के डिवीजन से क्या बना? कैपिलरीज। कैपिलरीज के यूनियन से क्या बना? वेन्यूल्स। वेन्यूल्स के यूनियन से क्या बना? वेन। तो कैपिलरीज में कुछ पॉइंट्स आपको लिखना है। कैपिलरी डिस्कवर्ड बाय मैल्पीजी, ठीक है। अभी आपको बताए थे आर्टरी वेन, उसमें तीन तीन लेयर्स थे, लेकिन इसमें सिर्फ एकदम अंदर वाला लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोथीलियम। तो मेड ऑफ ओनली इंडोथीलियम, सिर्फ इंडोथीलियम ही होता है, ठीक है। और ये साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। देखिए यहां पे तो बहुत मोटा होता है ना आर्टरी वेन, उसमें तीन तीन लेयर्स होते हैं, तो ऑक्सीजन ग्लूकोज ये सब उसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो ऑक्सीजन ग्लूकोज हॉर्मोन सब कैपिलरीज में ही क्रॉस करते हैं और सेल अपना वेस्ट मटेरियल यहां भेजता है, ठीक है। तो यही हुआ कैपिलरीज साइट ऑफ एक्सचेंज। जब आपको एमसीक्यू बनाएंगे ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स कौन है भाई? कैपिलरीज आर्टरी तो कैरी करता है, उतना मोटा वो कौन क्रॉस करेगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन थ्रू द कैपिलरीज। ओके, कैपिलरीज मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोथीलियम, और जो इंडोडर्म से बना हुआ है, बाकी जो था लेयर्स ट्यूनिका एक्सटर्ना ट्यूनिका मीडिया ये सब मेसोडर्म से बना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन, जब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं वॉल ऑफ द आर्टरीज और वॉल ऑफ द वेन, तो वॉल ऑफ हार्ट का भी डिस्कशन कर लेना चाहिए। चलिए, वॉल ऑफ हार्ट जो कि पहले डिस्कस हो जाना चाहिए था, आपके नोट्स में आगे ही दिया हुआ है। वॉल ऑफ हार्ट कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर्स। सबसे बाहर होता है एपिकार्डियम, फिर होता है मायोकार्डियम, फिर होता है एंडोकार्डियम। ये दोनों जो है मेसोडर्म से बना है और ये वाला एंडोडर्म से बना है। क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज थिकेस्ट लेयर, सो मायोकार्डियम ऑफ हार्ट, मायोकार्डियम ऑफ हार्ट इज द थिकेस्ट लेयर। ओके, तो ये आपका ब्लड वेसल्स और हार्ट कंप्लीट हुआ।